नमस्कार, मैं स्वम सिंह और आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज। आपको सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने एक शानदार ऐलान किया है। जैसे दिल्ली में बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, ऐसे ही 1 जुलाई से पंजाब में भी पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने चालू होगी। पंजाब के लोग इतने खुश हैं सुबह से, जब से मान साहब ने ऐलान किया है। मेरे पास इतने फ़ोन आ चुके हैं लोगों के कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब हमने गारंटी दी थी चुनाव के दौरान कि हम बिजली फ्री करेंगे, सारी पार्टियां कहती थी अरे खजाना खाली है, ये हो नहीं सकता, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखो, हमने करके दिखा दिया। हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमने, एक ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। ये पार्टियां पूरी तरह से पंजाब को लूट के जा चुकी हैं, खजाना बिल्कुल खाली था। लेकिन मैंने कहा था कि नीयत की ज़रूरत है, अच्छी नीयत की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मान साहब ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, हम ईमानदार सरकार देंगे। और देखो, एक ही महीने के अंदर हमने पाई पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। हम पैसे नहीं खाते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। जब नई नई सरकार बनी पंजाब में, ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे MLAs को, पार्टी के लोगों को, कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो, नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया। और देखो, एक महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ, उनको उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। नहीं तो जितनी भी आजकल पॉलिसीज़ बन रही हैं दूसरी सरकारों की, हर चीज़ से महंगाई महंगाई होती जा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीति के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किए जाएं वो वादे पूरे होते हैं। आज तक 75 साल में राजनीति में चुनाव के पहले जितने वादे किए गए, कोई वादा किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के बाद कहते थे अरे वो तो चुनावी जुमले थे, चुनाव के पहले जो वादे किए जाते हैं वो पूरे थोड़ी होते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे पे भरोसा रखना, हम लोगों पे विश्वास रखना। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो लगा था आज सुबह जब मान साहब ने ऐलान किया कि सारे विरोधी ताली बजाएंगे, मान साहब को बधाई देंगे, कहेंगे कि मान साहब बहुत अच्छा किया। लेकिन सारे विरोधी इतना विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियाँ इतना विरोध कर रही हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों विरोध कर रही हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये बदले। हम लोग, आम आदमी पार्टी, इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने जा रही है, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने जा रही है। कल हम रहें ना रहें, लेकिन ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आगे कोई भी आए लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार उसके बाद ना कर पाए। हम इस सिस्टम को बदल रहे हैं। ये विपक्षी, ये विरोधी हमारा खूब विरोध करेंगे, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है।
क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।